वो इंसान को इंसान बनाता है। अरस्तु कह रहा है कि ये जो ड्रामा होता है ये इंसान को इंसान बनाता है, उसके अंदर एक अच्छा जज्बा उभरता है, हमदर्दी का जज्बा उभरता है। लिहाजा ये तरबिया के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तरबिया में क्या होता है, आप हंस लेंगे, मुस्कुरा लेंगे, जमाने के गम को चंद लम्हों के लिए भूल जाएंगे, लेकिन इसका असर देर पर नहीं होता। देर का होता है अलमिये का असर, जहाँ आप किसी की मौत को देख के आते हैं, कोई सदमा देख के आते हैं, कोई ऐसा वाकया देख के आते हैं जो आपके जहन पर एक गहरा नक्श होता है और उससे आपको सबक सीख लेते हैं, कुछ डर सीखते हैं। तो आमतौर से ये दो ड्रामे होते हैं, एक ट्रेजेडी है जिसे अरस्तु ने और बाकी दीगर अदब उलमा ने ये कहा कि ज़्यादा काबिल कदर है, ज़्यादा अहम है, क्योंकि इससे हमारा तज़किया होता है, हम इससे बहुत कुछ सीखते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, हमारे अंदर एक बेहतर जज्बा होता है। दूसरा ड्रामा जो तरबिया है, इसका अंजाम खुशी पर हो या ओवरऑल आप पर ऐसा इफेक्ट पड़े जिससे आप नफरत महसूस करें, ज़माने के गम को भूल जाएं कुछ देर के लिए, उसे तरबिया कहते हैं। अब इसके बाद एक तीसरी कैटेगरी बनाई गई ड्रामे की, इसका नाम रखा गया अलम तरबिया, यानी इसमें दोनों मिक्स हो, कुछ अलम की बात भी हो, गम की बात भी हो, मसरत की बात भी हो और कुछ खुशी की बात भी हो। यानी जिसमें ऐसा नहीं हो सकता कोई ड्रामा शुरू जाते तक आपको रंजीदा रखे, कोई ड्रामा शुरू जाते तक आपको खुशी रखे, बल्कि लोगों ने कहा कि ऐसा ड्रामा भी होना चाहिए जिसमें हमें कुछ देर रोने को लिए मजबूर कर दे और कुछ देर हमें हंसने के लिए मजबूर करे, हमारी हमें राहत बख्शे, हमारे फरहत बख्शे। तो ऐसा ड्रामा जिसमें ये दोनों अनासर शामिल हों, जो हमें लाता भी है, जो हमें हंसाता भी है, जो हमें कुछ देर के रंजीदा भी करता है, हमें कुछ देर के लिए फरहत भी बख्शता है, तो ऐसा जो ड्रामा होता है उसको क्या कहा गया, अलम तरबिया। मेलो ड्रामा में क्या होता है, इसमें खास तौर पर मौसीकी पर पेश होता है, शुरू से आखिर तक इसमें एक छोटा भी होता है अपने मतलब जखामत के अतबार से, और इसमें जब इसको प्ले किया जाता है तो शुरू से आखिर तक एक म्यूजिक बजती रहती है, और वो म्यूजिक हालात के पेश नज़र जो है तब्दील होती रहती है। वो म्यूजिक अगर कोई गम का सीन है तो उसमें ज़रा सा हम लोग म्यूजिक बजेगी, और अगर कोई नसरत का मौका है तो उसमें ज़रा सा खुशी का वो म्यूजिक बजेगा। तो वो म्यूजिक इस मेलो ड्रामा में खास तौर पर जो अहम रोल अदा होता है वो म्यूजिक का होता है, वो शुरू से लेकर आखिर तक इस तरह कहानी आगे बढ़ती है, तो उसी लय के बाद वहाँ पे आपको बयान किया जाता है, इसको ऊपर ओपेरा होता है। और इसी तरह से एक ड्रामे की किस्मत है एक बाबिल ड्रामा, एक बाबिल ड्रामा, इसमें क्या होता है, इस तरह से दास्तान के बाद नावल, नावल के बाद अफसाना आता है, उसी तरह से ड्रामे में भी एक ईजाद है एक बाबिल ड्रामा। एक बाबी के माने ये हुआ, एक भी ये जहामत में छोटा है, इस तरह से।